उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस विभाग का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। बता दें कि पुलिस ने एक युवक को लाठियों से जमकर पीटा। जब एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आई तो बेरहम पुलिस ने उसे भी नहीं छोड़ा। पत्रकारों ने जब पुलिस अधीक्षक से इसका कारण पूछा तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीच रोड पर मां बेटे ने विवाद शुरू कर दिया था। जब पुलिस ने उनसे रोड खाली करने को कहा तो युवक पुलिस को ही गालियां देने लगा, जिसके चलते पुलिस ने युवक पर लाठियां चलाईं। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी पर 19 बार धारा 151 में चालान हो चुका है। ये सिकंदरपुर चौकी के सामने का मामला है। रोड के किनारे चौकी है, तो वहीं पास ही का एक परिवार है जिसमें कि गौरव नाम का एक लड़का है जो वीडियो में दिख रहा है, उसकी माँ दिख रही हैं। गौरव के पिता ग्रामीण बैंक में काम करते हैं और परिवार में इस बात को लेकर के विवाद है कि पिता सारा पैसा जो है गौरव की भाभी पे खर्च करते हैं और उसमें उनका चाचा भी शामिल है, और इसी बात को लेकर के परिवार में आपस में काफ़ी इनका विवाद रहता है हमेशा से। पहले भी गौरव जो है उच्छृंखल व्यवहार के लिए थाने के द्वारा, जैसा कि मुझे बताया गया है, 19 बार धारा 151 में इसका चालान हो चुका है। आज ये व्यक्ति जो है अपने ग्रामीण बैंक से पिता की मोटरसाइकिल समझ करके दूसरे की मोटरसाइकिल उठा लाया था। दूसरे आदमी ने आकर के शिकायत की कि हमारी मोटरसाइकिल यहाँ से चली गई है और गौरव ने इसको उठाया है, तो पुलिस वाले गए और मोटरसाइकिल उसको वापस दिलाई। इसी बात को लेकर के ये चौकी पे विवाद करने लगा। फिर चौकी के सामने जीटी रोड है, वहाँ पे उसने अपनी माँ को रोड पे लेटवा दिया और इस तरीके से वहाँ मार्ग अवरुद्ध हो गया।